आइए आइए देखते हैं मैथ का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे प्रायः मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर देने जाते हैं तो उसे गलत करके आते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन है, मान बताओ, मतलब इसकी फाइंड द वैल्यू, 2 का 3/4 भागे 3/4 प्लस 1/4। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1 सही 1/2, बी 2 सही 1/2, सी 2 सही 1/4 और डी 2 सही 2/3। तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है सरलीकरण का, वो आपका बोर्ड मास पर आधारित है। किस पर आधारित है? बोर्ड मास पर। अर्थात बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकेट ऑफ करते हैं, डिवाइडेशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है और फिर सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और सबसे अंत में हम घटाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 का 3/4, 2 का 3/4 भागा 3/4 प्लस 1/4। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जहां कहीं भी आपका का लिखा हुआ है या इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ है उसका मतलब गुणा होता है। उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 और जहां का लिखा है उसको हम गुणे का निशान लगाएंगे, गुणे 3/4 लिखेंगे और आपका भागे 3/4 है। तो सीधे सीधे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे भागे 3/4 और आपका जो इधर है वो है प्लस 1/4। भाग देते समय अगर चार संख्या ऊपर नीचे लिखी है तो उसका ये होता है 1/2, 2/3 गुणे 4/3। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 गुणे 3/4, 1/2 गुणे 4/3 गुणे 4/3 और आगे हम लिखते हैं प्लस 1/4। अब हम क्या करते हैं, 4 4 काट देते हैं, 3 को 3 से काट देते हैं। अब हमारा जो बचता है 2 गुणे 1 प्लस 1/4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 और 1 9/4 चार लिख सकते हैं। 4 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 2 8 1 9/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 सही 1/4। 4 में 9 में हम 4 से जब भाग देते हैं, हम 4 से जब 9 में भाग देते हैं तो सीधे सीधे 4 2 8 1, 2 सही 1/4। अर्थात इसको हम 9/4 को लिख सकते हैं, 2 सही 1/4। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 2 सही 1/4। राइट आंसर जो आपका होगा 2 सही 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा देखना है कि
किस फार्मूले पर आधारित है? तो फार्मूला आपका बोर्ड मास है, और बोर्ड मास में आप जानते हैं बी वो डी एम ए एस। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रेकेट ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिंपल सा मेथड है, आराम से सॉल्व करिए, बिना घबराए आराम से सॉल्व करिए। आप मल्टीप्लीकेशन एडिशन जितना फास्ट कर देंगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से लगाएं। अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।